Welcome to Beat on Bulletin. This is me, Simran Hans, and you are watching Google Bollywood. So, बात करेंगे Bollywood celebs से जुड़ी hot updates, controversies और gossips के बारे में. तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की top updates पर. क्या बादशाह का पागल गाना उनकी original composition है? हनी सिंह के अपकमिंग सॉन्ग गुड नालो इश्क मिठा का ट्रेलर आया सामने. सुपर 30 को एक और स्टेट ने किया टैक्स फ्री. अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम बोले बाटला हाउस और मिशन मंगल के क्लैश पर. शिल्पा शेट्टी 12 साल बाद करेंगी बॉलीवुड में कमबैक. साहो की रिलीज डेट की गई चेंज. रैपर एंड सिंगर बादशाह की बात करें तो उन्होंने ये वाकई में प्रूफ किया है कि वो वाकई म्यूजिक के बादशाह हैं. चाहे फिर वो बात हो डीजे वाले बाबू गाने की, चाहे फिर उनके बाकी सारे सॉन्ग्स की जो कि काफी सुपर हिट रहे हैं. उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत सारे हिट गाने दिए हैं. वहीं रिसेंटली उनका एक गाना वखरा स्वैग रिक्रिएट भी किया गया है जजमेंटल है क्या मूवी में. अगर हम बात करें बादशाह के रिसेंटली आए गाने पागल की, तो ये गाना वाकई रिकॉर्ड तोड़ रहा है और गाने पर बहुत सारे व्यूज हैं. यानी अब गाना 100 मिलियन से भी क्रॉस कर चुका है यूट्यूब व्यूज. वहीं बादशाह के फैंस इस गाने से काफी खुश हैं. लेकिन क्या ये गाना बादशाह की ओरिजिनल कंपोजिशन है या फिर बादशाह ने ये गाना कॉपी किया है? सुनने में ये अच्छा तो नहीं लग रहा कि म्यूजिक का बादशाह गाना कॉपी कर सकता है. लेकिन इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है या बादशाह की ये ओरिजिनल कंपोजिशन है या नहीं, आइए जानते हैं. जी हाँ, बादशाह का रिसेंटली गाना आया है पागल, जिसको उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और ये गाने के व्यूज काफी अच्छे हैं. यानी 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है ये गाना. वहीं उनके फैंस को ये गाना काफी पसंद आ रहा है और इस गाने ने काफी रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं. 24 आवर्स में 75 मिलियन व्यूज आ गए थे इस गाने पे और ये ट्रेंडिंग में भी रहा है यूट्यूब पे. वहीं इस गाने ने जब इतने सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और एक दिन में मोस्ट व्यूज वाला गाना ये बन चुका है. लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क ये है, क्या ये गाना बादशाह की ओरिजिनल कंपोजिशन है या नहीं? वेल, ऐसा ही एक गाना 2017 में आया था जिसको सिंगर कमल राजा ने गाया था, जिस गाने का नाम था ट्रबल. वेल, इस गाने का कुछ पार्ट बादशाह के पागल गाने से काफी मिलता जुलता है. जैसे कि बादशाह के गाने की लाइंस हैं, क्या ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है. वहीं उस गाने की लाइंस थी, ये लड़की ट्रबल है, ट्रबल है, ट्रबल है. यही नहीं, इस गाने का म्यूजिक और बीट भी बादशाह के पागल गाने से मिलती जुलती है. वहीं अगर हम सिंगर कमल राजा की बात करें तो ये एक एम्स्टरडेम बेस्ड सिंगर हैं, जिनका 2011 में पहला गाना आया था नो क्लू. इस बात की सच्चाई क्या है ये तो बादशाह ही जाने. लेकिन फिलहाल बादशाह का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है और ना ही कमल राजा का. वेल, सुपर 30 फिल्म की बात करें तो अनंत कुमार यानी फेमस मैथमेटिशियन के लाइफ पर बनी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस मूवी ने लास्ट वीकेंड भी 50 करोड़ से अबव कमाई कर ली थी. अब ये 100 करोड़ की क्लब में एंट्री करने के लिए रेडी है. वेल, रिसेंटली ये रिपोर्ट्स आई थी कि बिहार में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है. यानी ऋतिक रोशन के बिहार में रहने वाले फैंस के लिए एक अच्छी खबर थी. अब एक और स्टेट ने भी इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है. तो देखते हैं वो कौन सी स्टेट है जिसके CM ने बताया है कि ये मूवी अब टैक्स फ्री हो चुकी है. ऋतिक रोशन के फिल्म सुपर 30 को बिहार के बाद अब राजस्थान में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है. जी हाँ, राजस्थान में रहने वाले ऋतिक रोशन के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है. राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस मामले में ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुपर 30 अनंत कुमार की प्रेरित करने वाली जिंदगी पर आधारित है. ये शानदार विल पावर और दृढ़ निश्चय का एक बेहतरीन उदाहरण है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी सफलता को हासिल किया जा सकता है. हमें ऐसी फिल्मों से प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज के युवाओं में एजुकेशन के महत्व को लेकर जागरूक करना चाहिए. मैं राजस्थान में इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करता हूँ. वहीं फिल्म में ऋतिक रोशन के अलावा मृणाल ठाकुर और पंकज त्रिपाठी ने अहम किरदार निभाए हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसे टीचर की है जो गरीब और निचले तबके के होनहार बच्चों को पढ़ाने का फैसला करता है, जिन्हें कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती. ऋतिक रोशन ने अनंत कुमार का रोल प्ले किया है, जिसकी काफी सराहना हो रही है. ऑडियंस काफी पसंद कर रहे हैं उन्हें इस रोल में. इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर ही 50 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली थी. अब यह फिल्म 100 करोड़ की कमाई करने के लिए रेडी है और वी होप कि यह फिल्म 100 करोड़ क्लब में जल्द ही एंटर हो जाएगी.
रैप के किंग हनी सिंह की बात करें तो हनी सिंह को हम बोल सकते हैं कि ये सुपर हिट गानों के एक्स फैक्टर है, बिकॉज हनी सिंह का नाम जिस भी गाने से जुड़ जाता है वो ऑटोमेटिकली सुपर हिट बन जाता है। वेल, हनी सिंह के गानों पर काफ़ी खर्चा भी होता है और हनी सिंह काफ़ी मेहनत भी करते हैं अपने गानों के म्यूजिक को बनाने के लिए। वही हनी सिंह के कुछ गानों की बात करें फिर, चाहे वो मखना सॉन्ग हो, पार्टी ऑल नाइट या फिर चार बॉटल वोडका, हनी सिंह के गाने यूथ को काफ़ी पसंद आते हैं और काफ़ी सुपर हिट भी रहते हैं यूथ के बीच। Well, हनी सिंह ने रिसेंटली मकना गाने से अपना कमबैक कर लिया है इंडस्ट्री में। अब वो अपने फैंस को एक और सरप्राइज देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और हनी सिंह के फैंस के लिए क्या गुड न्यूज है हमारे पास, आइए देखते हैं। Well, हनी सिंह ने रिसेंटली अपने मकना सॉन्ग के जरिए कमबैक किया है। मकना गाना जिस गाने ने आते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए और बहुत सारे व्यूज आए इस गाने पर। Well, इस गाने को टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। और अब हम बात करें हनी सिंह के वो सरप्राइज की जो कि अब वो अपने फैंस के लिए प्लान कर रहे हैं। तो वो रिसेंटली उन्होंने बताया था कि वो शूट कर रहे हैं पंजाब के जलंधर शहर में किसी सुपरहिट पंजाबी गाने के रिमेक के लिए। तो वो गाना पता चल चुका है बिकॉज रिसेंटली हनी सिंह ने उस गाने का पोस्टर भी शेयर किया था अपने सोशल मीडिया पर। उस गाने का नाम है गुड़ नालो इश्क मिठा। जी हाँ, सबने ये गाना जरूर सुना होगा। अगर हम ओरिजिनल गाने की बात करें तो ये 1986 में आया था और मलकीत सिंह ने इस गाने को गाया था। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें मलाइका अरोड़ा हमें नजर आई थी। Well, उस टाइम पे भी ये गाना बहुत ही अच्छे म्यूजिक के साथ बनाया गया था और बात करें वीडियो की तो बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया था इस गाने को और मलाइका अरोड़ा एज ऑलवेज काफी ब्यूटीफुल लग रही थी इस गाने में। वहीं अगर हम रीसेंट अपडेट की बात करें तो हनी सिंह के इस गाने का टीजर भी आ चुका है जिसमें वो अपने दोस्तों से गुड़ मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन चखने के बाद वो कह रहे हैं कि गुड़ नहीं मीठा बल्कि इश्क मीठा है। वेल, अगर हम इस गाने की प्रोडक्शन की बात करें तो भूषण कुमार ने इस गाने को प्रोड्यूस किया है और प्रेजेंट किया है गुलशन कुमार ने। एंड टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गाने के ट्रेलर को रिलीज किया गया है जिसको ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिकॉज हनी सिंह के गाने यूथ को काफी पसंद आते हैं तो ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स आना तो बनता ही है। अब इंतजार रहेगा हनी सिंह के फैंस के साथ साथ हमें भी कि कब हनी सिंह का ये पूरा गाना हमारे सामने हो। Well, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बात करें तो 1993 में इनकी पहली फिल्म आई थी बाजीगर। तब से ही ऑडियंस ने इनको काफी पसंद किया था और आज इनके फैंस दीवाने हैं इनके डांस मूव्स, इनके एक्सप्रेशंस और इनकी एक्टिंग के। Well, शिल्पा शेट्टी ने बहुत सारी फिल्में दी हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को। धड़कन, फिर मिलेंगे जैसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, लिस्ट बहुत लंबी है इनकी मूवीज़ की। तो शिल्पा शेट्टी के फैंस के लिए अब अच्छी खबर ये है कि वो 12 साल बाद इंडस्ट्री में कमबैक करने जा रही हैं। जी हाँ, रिसेंटली इनकी मूवी जो आई थी 2007 में आई थी जिसका नाम था अपने, मूवीज़ में सनी देओल, धर्मेंद्र और बॉबी देओल के साथ हमें नज़र आई थी शिल्पा शेट्टी। लेकिन अब 12 साल बाद यानी 2019 में शिल्पा शेट्टी कमबैक करने जा रही हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। शिल्पा शेट्टी कमबैक करने जा रही हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो देखते हैं शिल्पा शेट्टी किसके साथ नजर आएंगे और कौन सी मूवी होगी वो। रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो प्रोड्यूसर रमेश तैरानी ने बोला था कि वो एक फिल्म साइन कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ और यामी गौतम के साथ। उसी टाइम ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि रमेश ने कहा है कि एक और एक्ट्रेस हमें नजर आएंगी मेन कैरेक्टर निभाती हुई। वेल, वो एक्ट्रेस कौन थी उस टाइम तो ये नहीं पता चला था, लेकिन अब ये रिवील हो चुका है। इस फिल्म में हमें शिल्पा शेट्टी वो किरदार निभाती नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म के नाम की बात करें तो अभी भी इस फिल्म का नाम डिसाइड नहीं किया गया है और ना ही ऑफिशियली कोई पोस्टर निकाला गया है। वहीं बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन की तो अजील मिर्जा के बेटे हारून डायरेक्शन में अपना डेब्यू करने वाले हैं इस फिल्म के जरिए, जो कि राजू बन गया जेंटलमैन और यस बॉस में असिस्ट कर चुके हैं डायरेक्टर्स को। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी की बात करें तो शिल्पा शेट्टी लास्ट टाइम हमें अपने फिल्म में ही नजर आई थी जो कि सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र की मूवी थी। उन्होंने इन तीनों के साथ स्क्रीन शेयर किया था। उसके बाद शिल्पा शेट्टी मेन किरदार में हमें नजर नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया था ओम शांति ओम के टाइटल ट्रैक में, दोस्ताना के गाने शट अप एंड बाउंस में एंड 2014 में वो डिश्कियाओं मूवी के
तू मेरे टाइप का नहीं गाने में नजर आई थी, लेकिन अब अपने फैंस को और इंतजार ना करवाते हुए शिल्पा शेट्टी मेन कैरेक्टर निभाती हुई नजर आने वाली हैं हमें इस मूवी में। वेल, दिलजीत दोसांझ और यामी गौतम भी शिल्पा शेट्टी के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। दिलजीत दोसांझ पहली बार शिल्पा शेट्टी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। इसके बाद सोर्सेस की माने तो शिल्पा शेट्टी इस फिल्म में राइटर का किरदार निभाने वाली है और इस फिल्म की शूटिंग अगस्त के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। वेल, बॉलीवुड में जहां हर दिन नई मूवीज अनाउंस होती हैं और हर फ्राइडे बहुत सारी नई मूवीज रिलीज भी होती हैं, वहां मूवीज का क्लैश होना एक आम बात है। बट बात बड़ी तब हो जाती है जब कोई बड़ी मूवीज और बड़े स्टार्स की मूवीज आपस में क्लैश करती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बाटला हाउस और मिशन मंगल के बीच। जॉन अब्राहम और दूसरी ओर अक्षय कुमार की ये मूवी आपस में क्लैश करने वाली है, यानी ये रिलीज होने वाली है 15th of August यानी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। वेल, इन दोनों का इस क्लैश के बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। Make some noise for the Desi boys. Killed it. Nay, I mean honestly, you know, if there was a controversy, I would have loved to create it. लेकिन अक्षय and me are very dear friends और we really get along. हम लोग ने इनफैक्ट परसों ही हम लोग ने एक दूसरे को मैसेज किया। There is absolutely nothing. हम लोग सिर्फ दो फिल्म्स रिलीज कर रहे हैं एक दिन पे। There is enough space. ऑडियंस को यही दे रहे कि we're giving audience a lot of choice to choose from good films. एक तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी है। At least one choice the audience has in the head कि एक फिल्म तो अच्छी है। I hope the other two films also are very good. That's all I can hope for. But August 15th is a great date. अभी जॉन आपने ये पता नहीं शायद आप ही ने सवाल किया होगा, लेकिन जॉन ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। Make some noise for Desi boys, यार। और देखिए। और वैसे भी आपको बताऊं कि बात तो सही है। देखिए, साल में कितने हफ्ते होते हैं, कितने फ्राइडे होते हैं? 52? यस यस या या या। और कितनी फिल्में रिलीज होती है हमारी हिंदी फिल्में? 180 190 जी। तो क्या करें, दो दो तीन तीन नहीं आएंगे साथ में तो क्या करेंगे? हाँ कि किसको परेशानी हुई? क्योंकि वी आर फ्रेंड्स, सब तो दोस्ती आ रही। तो क्या होता ना, देखिए, और 52 हफ्ते के अंदर करीबन 180 हिंदी फिल्में हैं, फिर उसके बाद करीबन 30-40 हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, तो बहुत सारा कंजेशन रहेगा ही रहेगा। ये तो आगे जाके और भी प्रॉब्लम होंगी, और भी अब तो दो दो तीन तीन होती हैं, तो आगे जाके चार चार पाँच पाँच भी होंगी। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, एंड वी शुड नॉट ब्लेम एनीबडी, वी शुड नॉट ब्लेम ईच अदर, वी शुड जस्ट गो अलोंग विद इट एंड दैट्स इट। इस साल की मच अवेटेड मूवीज या बड़ी मूवीज की अगर हम बात करें तो साहो उन मूवीज में से एक है, जहां फैंस एक्साइटेड हैं प्रभास यानी बाहुबली को एक्शंस करते हुए देखने के लिए, वहीं वो उनकी केमिस्ट्री श्रद्धा कपूर के साथ देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। वहीं साहो मूवी की बात करें तो ये 15th of August को रिलीज होने वाली थी। जी हाँ, 15th of August को ये मूवी रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस मूवी की रिलीज डेट चेंज कर दी गई है, यानी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो देखते हैं ये मूवी कब रिलीज होगी और इसको पोस्टपोन करने की क्या वजह है। इस साल 15 अगस्त के दिन बॉक्स ऑफिस पर तीन फिल्में क्लैश करने वाली थी, इनमें जॉन अब्राहम की बाटला हाउस, अक्षय कुमार की मिशन मंगल और प्रभास की साहो शामिल थी। लेकिन अब इस क्लैश से बचने के लिए साहो के मेकर्स ने मूवी की रिलीज डेट बदल कर 30 अगस्त कर ली है। ट्रेड एनालिटिक तरण आदर्श ने साहो की रिलीज डेट पोस्टपोन होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब प्रभास की फिल्म 15 अगस्त की बजाय 30 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी एक ऑफिशियल बयान साझा किया है, जिसमें लिखा है कि साल की सबसे बड़ी फिल्म साहो की शूटिंग 2017 में शुरू हुई थी। मेकर्स नहीं चाहते कि दर्शक क्वालिटी कंटेंट के साथ किसी भी तरह का समझौता करें। प्रोड्यूसर्स की ओर से कहा गया है कि हम ऑडियंस को बेस्ट देना चाहते हैं, एक्शन सीक्वेंस को फाइन करने के लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। रिलीज डेट को इंडिपेंडेंस डे से शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन हम इंडिपेंडेंस और देशभक्ति के महीने में ही साहो को रिलीज करेंगे। हम साल की सबसे बड़ी फिल्म को बड़े पैमाने पर लाना चाहते हैं। मालूम हो, इससे पहले भी साहो की रिलीज डेट में बदलाव हो चुके हैं। साहो को हिंदी सिनेमा की दो फिल्मों के साथ साथ दो तेलुगु मूवीज से भी क्लैश का सामना करना पड़ रहा था। भारी भरकम बजट से बनी साहो के लिए इसकी भरपाई करना कई मायनों में जरूरी है। मेकर्स चाहे सीन्स में और परफेक्शन लाने की बात
करें, लेकिन ये सही है कि अक्षय और जॉन की सच्ची घटना पर बनी फिल्म साहो का खेल बिगाड़ सकती थी। मेकर्स का रिलीज डेट पोस्टपोन करने का फैसला सही माना जा रहा है। साहो में एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस का पूरा डोज है। मल्टी स्टारर मूवी में प्रभास के अलावा श्रद्धा कपूर, मंदिरा बेदी, नील नितिन मुकेश, चंकी पांडे और जैकी श्रॉफ अहम रोल में दिखेंगे। सुजीत की डायरेक्शन में बन रही फिल्म साहो तमिल, हिंदी और तेलुगु में रिलीज होने वाली है, लेकिन अब ये रिलीज होगी 30 अगस्त को। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फेवरेट पार्ट यानी सोशल स्पाई, जिसमें हम जानेंगे आपके और हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो सोशल स्पाई में सबसे पहले नजर डालेंगे बॉलीवुड की कैट यानी कैटरीना कैफ के सोशल मीडिया पर। रिसेंटली उन्होंने एक प्यारी सी फोटो शेयर की है और वन पीस में वो लग रही हैं काफी ब्यूटीफुल। अनन्या पांडे की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने भूमि पेडनेकर को बर्थडे विश किया है अपने सोशल मीडिया पर। उन्होंने पति पत्नी और वो के सेट की फोटो शेयर की है और साथ में लिखा है, नो पति नो प्रॉब्लम, हैप्पी बर्थडे भूम्स, आई प्रॉमिस टू ट्राई एंड शेयर माई फूड विद यू टूडे। वहीं बात करें जानवी कपूर की तो रिसेंटली उन्होंने एक प्यारी सी फोटो शेयर की है अपने फैंस के साथ, जिसमें वो एक प्यारी सी स्माइल देती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा ट्विंकल खन्ना के सोशल मीडिया की बात करें तो खिलाड़ी कुमार की वाइफ ने राजेश खन्ना यानी अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी पर फोटो शेयर की है उनके साथ वाली। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, स्टिल लिव्स ऑन इन माई हार्ट एंड विद इन ऑल द मिलियंस हु मेड स्पेस फॉर हिम इन देयर्स। वहीं मलाइका अरोड़ा के सोशल मीडिया की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने प्यारी सी 3 फोटोज शेयर की हैं, वह उनके बटरफ्लाई वाले सैंडल्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और मलाइका अरोड़ा एज ऑलवेज काफी हॉट लग रही हैं। कपूर के सोशल मीडिया की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने अपनी पुरानी फोटो शेयर की है अपने फैंस के साथ। अर्जुन कपूर अक्सर ऐसा करते रहते हैं और रिसेंटली उन्होंने फेस ऐप वाली फोटो भी शेयर की थी जिसमें वो ओल्ड दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की है जिसमें वो फिट नजर नहीं आ रहे। वहीं सनी लियोनी के सोशल मीडिया की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो नजर आ रही हैं झूठा कहीं का देखने की रिक्वेस्ट करती हुई। Hi guys, this is Sunny. I'm Sunny. I'm Sunny. No, I'm Sunny. You're mistaken. I'm Sunny. No, I was Sunny. Hey! You kone? Asli Sunny. Mehu. Jhoota Kahega. Guys, do watch our film Jhoota Kahega. In theaters near you. Bye guys. Bye-bye. Bye. अब नजर डालते हैं बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान यानी सलमान खान के सोशल मीडिया पर। सलमान खान आजकल अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने जिम की, अपने वर्कआउट की, अपनी मस्ती भरी वीडियोस डालते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं अपने फैंस के साथ। तो रिसेंटली उन्होंने वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मस्ती करते नजर आ रहे हैं अपने भांजों के साथ। You're supposed to go there. One, two. So that's all for today. This is me, Simran Han, signing off. See you guys in next episode of Beat on Bulletin. Till then, keep watching Google Bollywood.